उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ थोड़े से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन करें, प्रभु का स्मरण करें। जब संकीर्तन करते हैं तो वाणी पवित्र होती है और वाणी का मन के साथ बड़ा संबंध माना गया। जब वाणी पवित्र हो गई तो मन को सुकून मिलता है, इसीलिए प्रायः कोई भी मांगलिक कार्य में संकीर्तन जरूर कराया जाता है, करना भी चाहिए। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर चंद्रशेखर
चंद्रशेखर रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। श्याम माधव श्याम माधव श्याम माधव पाहि माम, श्याम माधव श्याम माधव श्याम माधव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर रक्ष माम, चंद्रशेखर रक्ष माम। प्रेम से बोलिए श्री बाबुलनाथ महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा के असीम अनुकंपा से हम सब उपस्थित होकर श्री दैया चिंतन माला के अंतर्गत श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से यह आयोजित कार्यक्रम है। जैसे प्रातः काल प्रतिदिन अनवरत रूप से सत्संग और स्वाध्याय चलता है, उसी प्रकार से हमारे श्रीमान प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी दैया जी के मन में ये विचार आया कि यह चिंतन माला भी इस तरह से सायंकाल को प्रतिदिन चले। 2020 जनवरी के महीने पहली तारीख से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उस चिंतन माला को लगातार चलाते हुए महापुरुषगण प्रेमपुरी आश्रम में जो प्रातः काल के सत्संग स्वाध्याय के लिए महापुरुष आते हैं, वही सायंकाल को इस चिंतन माला को चलाते हैं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जनवरी फरवरी फरवरी में जब ये समाचार देखा टेलीविजन पे अखबार में पढ़ा कि कोरोना नाम के महामारी चाइना में वुहान सिटी वुहान प्रांत में
आया है तो ऐसा लग रहा था उस समय न्यूज को देख करके कि जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया ऐसे जो प्रकोप आते थे उसी तरह से एक ये भी कोई वायरस है उस एरिया में आया है और थोड़े दिन में रहेगा और दवाई देंगे, डॉक्टर लोग इलाज करेंगे, ठीक हो जाएंगे। ये नहीं मालूम था कि आज टेलीविजन में जिसको देख रहा हूं इसका सामना हम सबको करना है। धीरे धीरे करके मध्य मार्च तक में इंडिया में एक दो केस आया था तो ऐसा लगा कि ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा वो फैलता गया, ऐसा फैलता गया, आखिर में सरकार को लॉकडाउन करने का निर्णय लेना पड़ा। जब लॉकडाउन आया ये भी नया शब्द सुनने को मिला, बीमारी का नाम नया, उससे लड़ने के लिए, सामना करने के लिए जो प्रक्रिया वो सब भी नए नए ढंग के। अब लॉकडाउन शब्द जो था समझ में नहीं आ रहा था, अभी तक तो कर्फ्यू सुना, हड़ताल सुना, बंद हो गया ये सब सुनते थे, स्ट्राइक कर दिया। लेकिन इस प्रकार से लॉकडाउन क्या होता है ये मालूम नहीं। धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया ऐसे व्यापक स्तर पर लागू हुई, ये मालूम पड़ा कि घर के अंदर रहना है, आदमी से आदमी अब नहीं मिल पाएंगे, जो जहां बैठे हैं वहीं पर अपने आप को सुरक्षित रखें, दूरी बना करके रखें। वायरस के बारे में इस तरह से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने लगी कि यह वायरस लोहे पर लंबे समय तक रहता है, इसलिए कुंडी आदि जो खोलते हैं दरवाजे के, सीढ़ियों में जो पाइप लगे होते हैं उन सबको छूने में, सब्जी वाले से सब्जी लेने में, उसको हाथ में पकड़ने में, मतलब ऐसा लगे कोई चीज को छूने से पहले आदमी 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए कहीं कोरोना तो नहीं, कहीं घूम करके भी आए तो यदि जरा सी भी खांसी आ गई तो लगता था कि कोरोना आ गया, मेरे अंदर कोरोना घुस गया। खांसी आती है लोग डरते इलाज कराने में, तो ऐसा जब वातावरण बना तो ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ चिपक के नहीं बैठ सकते, ये सब कानून बनने लगा। सरकार को हर रोज उस बीमारी की स्थिति को देखते हुए अलग अलग कानून का प्रस्ताव लाना पड़ा। जितने भी हमारे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम थे अनादिकाल, अनंत काल अथवा दीर्घ काल से जो हमारे पूर्वजों के पूर्वज ऐसी परंपरा रही, सब बैठ करके शास्त्रों की चर्चा करते थे, भगवान की पूजा करते थे, शादी विवाह जैसे मांगलिक पर्व पर सब इकट्ठे होते थे, अब तो मानो ऐसा हो गया सीमित कर दिया, शादी में इतने लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, श्मशान घाट में इतने से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। बड़े बड़े ऐसे प्रसिद्ध लोग गए जिनके जाने के बाद हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन इस कोरोना के कारण गिनती के लोग ही जा पाए, तो सरकार ने ऐसा कानून पारित कर दिया कि हो सके अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए आप लोगों से दूरी बना करके रखें, आवश्यक पड़े, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। इस प्रकार से जब वातावरण बना, थोड़े दिन तो लोगों को समझ में नहीं आया क्या करें क्या न करें, अब अचानक ये जो एक सत्संग का प्रवाह चला हुआ है इसको बंद करना, रोकना मजबूरी हो गई। कानून का पालन करना, अपने आप को बचाना, लोगों को बचाना, ये हमारा दायित्व बन गया, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से सबको आपस में बैठ करके सुनना सब मुश्किल हो गया।
अब ऑनलाइन सिस्टम आया। प्रेमपुरी आश्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। प्रेमपुरी ट्रस्ट का एक दृष्टिकोण है, उनका प्रयास है, सत प्रयास है कि जो लोग शारीरिक रूप से उपस्थित हो पाते हैं वह तो लाभ उठाते हैं उठाए, लेकिन जो लोग आ नहीं सकते अथवा दूर हैं विदेशों में हैं, इस YouTube को लोग कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहां कहीं भी सत्संग प्रेमी विराजमान है, जहां रह रहे हैं वहीं पर इसका आनंद लेते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। और इस लाभ को पहुंचाने में प्रेमपुरी आश्रम ने एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास किया, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अन्य कार्यों को करते हैं, लौकिक कार्यों के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होता ही है, लेकिन इस आध्यात्मिक कार्य के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्राम के लिए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा, इसमें प्रेमपुरी आश्रम सबसे अग्रणी है। ये सबके लिए प्रेरणादायक है। और आज जिस YouTube के माध्यम से प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा ये लाइव कार्यक्रम प्रसारित होता है, लोग अपने घर में बैठकर जहां कहीं भी हैं इसका लाभ उठाते हैं, इसमें इस आश्रम के ट्रस्ट की बड़ी देन है। दैनिक सत्संग का प्रातःकाल के कार्यक्रम का तो यूट्यूब में प्रसारण होता ही है। अब इस कोरोना महामारी के कारण ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के नहीं सुन सकते, और जैसे प्रातःकाल यूट्यूब में चलता है कार्यक्रम, तो हमारे इस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं श्रीमान आदरणीय गिरीश भाई जी ड्रेस वाला, इसी प्रकार से श्रीमान प्रकाश भाई जी मेहता, इन सब का हमारे प्रति विशेष प्रेम है। बाकी जो भी ट्रस्टी गण हैं, बाबूजी श्री मसूदन जी झुंझुनवाला, राजेश बेद जी, वहाँ के मैनेजर हैं भवेश भाई जी, और यहाँ के इन सब कार्यक्रम को चलाने वाले, कैसे इसको लोगों तक अच्छी तरह से आवाज सुन सके लोग, इस तरह से सब इसमें मिलाना पड़ता है इस लाइव कार्यक्रम को। दुबे जी, गिरीश भाई जी ने जैसा कहा कि अब इस दैया जी के द्वारा, कृष्ण कुमार दैया जी के द्वारा जो चिंतन माला प्रारंभ हुई थी, इसको अब यूट्यूब में प्रसारित किया जाए, जिसके लिए अध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, बिले पार्ले वाले महाराज जी, उनकी आज्ञा लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर यह निर्णय हुआ कि YouTube में यह कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाए। हमारे जितने भी ये श्रोतागण हैं, श्रीमती उमा बेन जी, हमारे मीता जी मेवावाला, दिलीप भाई जी, डॉक्टर श्री अतुल कुमार मजुमदार जी, इन सब के सहयोग से, और ये सब इस प्रेमपुरी आश्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा में तत्पर रहते, जितने भी ट्रस्टी गण हैं, हर व्यक्ति के योगदान से कोई भी इतना बड़ा कार्यक्रम जो चलता है, तो इसमें सबका कुछ न कुछ योगदान होता है, और उस योगदान को देने में ये सब इस प्रेमपुरी ट्रस्ट कल्प वृक्ष के पोषक हैं। पेड़ लगा हो लेकिन उसमें जल आदि सिंचन न किया जाए, उस पेड़ की कैसी रक्षा हो, जिस पेड़ की हमें छाया मिलती है, जिस पेड़ में फल लगते हैं उसको हम लोग तोड़ के खाते हैं, तो उस पेड़ की रक्षा करना भी हम सबका फर्ज है। इस प्रेमपुरी आश्रम की बहुत बड़ी विशेषता है,
बहुत सारे भारत के गणमान्य संत वृंद पूज्य चरण महात्मा लोगों का भी बड़ा योगदान है, वो लोग भी किसी न किसी रूप से इससे जुड़े हैं। इसी क्रम में हमको भी अपने वाणी पवित्र करने का प्रेमपुरी आश्रम में विगत 10-11 वर्षों से लगातार इसमें मैं भाग लेता हूँ। जो भी हमें 15 दिन, कभी महीना भर, कभी 20 दिन, जैसा समय मिलता है, हमें भी जैसा अनुकूल होता है और ट्रस्टी लोगों को भी जैसा अनुकूल होता, आपस में बात करके यह कार्यक्रम निश्चित करते हैं। और इस तरह से हमें यहाँ बोलकर ब्रह्मलीन श्री पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हैं, व्यापक परमात्मा में लीन हैं, उनके नाम से प्रसिद्ध इस स्थान में बैठ करके मंच पर जब बोलने का अवसर मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। बड़े बड़े विद्वान संत वृंद यहाँ आते हैं, मठाधीश, महामंडलेश्वर महंत और जो भी प्रसिद्ध कथाकार, वक्ता, अन्य भारत में जो जगह जगह विश्व में भी प्रचार करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रेमपुरी आश्रम को न जानता हो। चाहे वो सत्संग श्रवण करने वाले हो, चाहे सत्संग कराने वाले हो, प्रेमपुरी आश्रम को यदि नहीं जानते तो इसका मतलब वो सत्संगी नहीं है, या अभी सत्संग करना शुरू किया होगा। यदि धीरे धीरे, जैसे एक डॉक्टर अनेक डॉक्टरों के बारे में जानते होते हैं, हमारे महात्मा महात्माओं के बारे में जानते होते हैं, और तो बात छोड़िए, जो जिस लाइन में होता है उस लाइन में जो भी काम करने वाले हो उसको कहीं ना कहीं से हम दूर दूर तक जानते होते हैं, नाम से और रूप से। किसी को हम नाम से जानते, रूप से नहीं जानते, जिनको रूप से जानते नाम से नहीं जानते, लेकिन यह काम करता है, इसी लाइन में है, इतना हमें मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से जो सत्संगी हैं और सत्संग कराने वाले हमारे विद्वान संत वृंद हैं, ऐसे कोई व्यक्ति प्रेमपुरी आश्रम से अपरिचित नहीं है। जो थोड़े बहुत अपरिचित थे सत्संगी होते हुए भी, उस अपरिचित वाले वातावरण को दूर करने के लिए इस YouTube की भी बड़ी महिमा है, जिसके माध्यम से आज आप लोग दूर दूर बैठ करके भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो कृष्ण कुमार दैया जी के लिए मैं 2 शब्द ये बोलना चाहता हूँ। प्रेमपुरी आश्रम में जब भी आता हूँ तो स्पेशल मिलने आते हैं, मिलेंगे और मिल करके बोलेंगे, स्वामी जी मैंने आपका अनमोल समय लिया, क्षमा करना। इतनी उनकी सरलता, नम्रता, और पूछेंगे, स्वामी जी ये सब जो मैं कर रहा हूँ ठीक है ना? अपने माता पिता के निमित्त से ये सब कार्यक्रम करवाते हैं अपने भाई के लिए, और पूछते रहते हैं कि और भी कुछ करना चाहिए, कहीं किसी संस्था में जहाँ विद्या आदि का दान होता हो, सन्यासीगण महात्मा गण रहते हों, अन्य क्षेत्र से लेकर के चाहे आश्रम के निर्माण की बात हो, किसी भी तरह से सहयोग की आवश्यकता हो तो आप जरूर हमें सूचित करें। अपना कार्ड भिजवाएंगे, नंबर देंगे कि इस पर आप सूचित करें, और हम यथासंभव जितनी हमारी सामर्थ्य होगी हम जरूर इसमें भाग देंगे। इस तरह से वो प्रस्ताव रखते रहते हैं, बताते रहते हैं। ऐसे कृष्ण कुमार दैया जी के ऊपर प्रेमपुरी आश्रम में आने वाले महापुरुषों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, और जैसा उनको भगवान ने दिया है उसी तरह से ऐसे सत्कर्म करने के लिए उनके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा उनको प्रेरणा देते हैं, और यह प्रेरणा उत्तरोत्तर बढ़े और भी अच्छे से अच्छा कार्य करें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस चिंतन माला को YouTube में अब प्रसारित करने का विचार, आज ये 15 अगस्त से शुरू हुआ है, आज के दिन ये स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और बंबई वाले गुजरात महाराष्ट्र के हिसाब से अभी ये श्रावण का मास चल रहा है। उत्तर भारत में तो श्रावण का मास रक्षाबंधन 3 अगस्त को पूरा हो चुका,
लेकिन आप लोगों के अभी ये श्रावण कुशोत्पाटनी अमावस्या तक रहेगा, तो ऐसे पवित्र श्रावण मास में, हाँ श्रावण मास का महत्व यही है कि श्रवण जो किया जाए वही श्रावण होता है। इसलिए चातुर्मास में श्रावण मास लगते ही कथा आदि प्रवचन करना, कथा सुनना सुनाना ये सब प्रारंभ हो जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये श्रावण मास उत्तम मास है। भगवान शंकर की आराधना होते हैं, आराधना होती है, भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में लीन हैं और संसार के सृष्टि का जो भार है पालन पोषण करने का, ये सब इस समय मानो भगवान शंकर के हाथ में। शिव जी का नाम तो लगता है कि वो केवल संहार करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे कोरोना नाम के महामारी के बीच में भी कितने सारे लोग काल कवलित हुए, चाहे उनकी आयु इसी तरह से पूरी होनी होगी, लेकिन जो हम अभी बचे हुए हैं ये भी भगवत कृपा है। जो गए हैं उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हुई, कहीं न कहीं पुनः शरीर ग्रहण करेंगे। ये तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय की तरह है, पुराने कपड़े होते हैं तो उसको हम छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं। इसी प्रकार से इस आत्मा को जो ये शरीर धारण करना और शरीर छोड़ना आत्मा के लिए वस्त्र बदलने जैसा है, लेकिन हम जिस शरीर में रहते हैं उससे प्रेम होता है, उससे संबंधित जो लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि ये शरीर हमेशा बना रहे, कभी भी नष्ट ना हो। लेकिन जब कष्ट देता है, पीड़ा होती है, तब कोरोना तो अब आया, लेकिन क्या इससे पहले मौतें नहीं होती थी? क्या कोरोना जब निकल जाएगा तब मौतें बंद हो जाएगी? ये तो अनवरत रूप से चलता ही रहेगा। ऐसे उपसंहार करने वाले संहारकर्ता भगवान रुद्र इस समय उनकी आराधना करते, हम भगवान विष्णु का भी भार जिन्होंने ले रखा है, ऐसे श्रावण मास में सोमवार के दिन और उससे अतिरिक्त बाकी दिनों में भी पूरे श्रावण मास शिव जी की आराधना में भारतवर्ष और पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी शिव भक्त हैं भक्ति भाव में सराबोर होकर के उनकी आराधना करते हैं। ऐसे श्रावण मास 15 अगस्त के दिन सायंकाल 6 से 7 ये जो कार्यक्रम है इसको अब YouTube में प्रसारण करेंगे और आप लोग इसका आनंद लीजिए। गीता बोध सार करके इस बार विषय का नाम थोड़ा अलग से दिया है। गीता तो गीता ही रहेगी, बोध मतलब ज्ञान होता है। गीता में से भक्ति के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से जीवन का जो सार है परमात्मा को प्राप्त करना, ये ज्ञान हो जाए तो यही गीता बोध है। और ये जब उतर गया जीवन में तो उस सार को आपने प्राप्त कर लिया। इस तरह से गीता बोध सार एक नाम रख दिया, शीर्षक है। बाकी जैसा भी होगा गीता के माध्यम से उस बोध को उपस्थापित करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अनेक बार श्रीमद् भगवद् गीता सुन चुके हैं और ऐसे एक बोध सार नाम के ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बारे में अभी ज्यादा लोग परिचित नहीं है। इसलिए हम गीता के माध्यम से उस बोध को, ज्ञान को उपस्थापित करने का प्रयास करेंगे। जब श्रेय की प्राप्ति, हमारे जीवन में जो श्रेयस्कर है कल्याण की प्राप्ति करने के लिए मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद् गीता में देखा जाए तो 3 योग बताए। 3 योग में कहा, योगास्त्रयो मयो प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों के
श्रेय के विधान के लिए, जीवों के कल्याण के लिए मैंने ये तीन योग बताए हैं। भगवान ने ये तीन योग बताया। उसमें पहला है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है कर्म योग। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये सभी उपाय के रूप में है। इस योग को अपना करके जीव अपना कल्याण करे। सभी व्यक्ति सभी उपाय तो एक साथ कर नहीं सकते। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, बुद्धि है, वह उन उपायों को, साधन को अपना कर अपने जीवन को सफल बनाए, ऐसा इसका अभिप्राय। जब साधन की प्रक्रिया की बात आती है, यावन न जायते साक्षात जायते परमेश्वरात तावन न सद्गुरु कश्चित सच्छास्त्रम अपि नो लभेत। यावन न अनुग्रह साक्षात, भगवान के अनुग्रह कृपा के बिना ये सब संभव नहीं होता। भगवत कृपा की बहुत आवश्यकता है। यावन न अनुग्रह जायते साक्षात, साक्षात जायते कस्मात् परमेश्वरात्। परमेश्वर की साक्षात कृपा का फल है कि आपको जब सद्गुरु मिल जाए, और सद्गुरु जब हैं तो वो पारंपरिक गुरु होंगे, ट्रेडिशनल गुरु, मनगढ़ंत गुरु नहीं होंगे। सदगुरु इसलिए कह दिया, जिस सद परमात्मा का ज्ञान उनके गुरु को था, वह ज्ञान उनके गुरु ने इनको दिया। अब इनके पास जो परंपरा से आगत प्राप्त जो ज्ञान है, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक ही इन्होंने प्राप्त किया है। किसी का शिष्य बन करके और सामने वाले को गुरु बना करके जो ये विद्या ग्रहण किया, तो समझ लीजिए उनके अंदर कितनी नम्रता होगी। संत महात्मा के नाम उच्चारण करते ही मन में नम्रता का भाव जब उतर आता है, तो यही संतों का एक अपना तप होता है। किसी महापुरुष के नाम लेकर के यदि मन में आपको अच्छे भाव ना आए, सद्भाव ना आए, तो कहीं ना कहीं उस महापुरुष में कमी क्या होगी वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने अंदर जरूर ये कमी ले आते हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी क्यों है कि हम अच्छी बात को नहीं ले पाते, हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्यों नहीं होती। कोरोना के पॉजिटिव में तो हम घबराते, वहां तो हम निगेटिव रहना चाहते हैं, लेकिन यहां कोरोना का मामला नहीं है, यहां जीवन को कल्याण करने की बात है। इसमें से निगेटिविटी को निकालना बहुत जरूरी है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेदांत जब आप पढ़ोगे तो शुरू में ही ये आता है कि गुरु वेदांत वाक्येषु, वेदांत मतलब शास्त्रों में जो लिखे गए हैं, जो पंक्ति हैं, श्लोक हैं, जो मंत्र है, और उसको जो बोलने वाले गुरुदेव हैं, वो अपने तरफ से कुछ बना के नहीं बोलते। जैसा परंपरा से उनके गुरुजनों ने उन्हें जिन शास्त्रों के हवाला देकर, जिन शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान दिया, उसी का हवाला वो देते हमें। इसलिए वेदांत वाक्य और गुरु का जो वाक्य है, दोनों में विषमता नहीं होती, एक समान होता है। उसमें विश्वास होना, यही श्रद्धा है, और ये श्रद्धा अधिकारी में होना बहुत जरूरी है, तभी हम वेदांत के अधिकारी बन पाएंगे। आप वेदांत सुन करके अधिकारी नहीं होते, बल्कि अधिकारी बन करके वेदांत सुनने में समर्थ हो पाते हैं। सुनते हुए भी उस श्रवण का तात्पर्य क्या है यह हम नहीं जान सकते तब तक, जब तक कि हमारे अंदर अधिकारिता ना आ जाए,
अधिकारित्व ना आ जाए, अधिकारी पना ना आ जाए, तब तक आप कितने भी सुनो, सुनते रहो, फिर भी वो बात तो नहीं बनती। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए जो चार प्रकार के साधन बताए, उसमें गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु के वाक्य में, शास्त्र के प्रमाण में जो विश्वास है उसका नाम है श्रद्धा। और ऐसी श्रद्धा जिसके पास है वो कहलाते हैं श्रद्धावान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। ये सब जब प्रकरण आएगा तब इसका हम विचार करेंगे। तो ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ऐसे सदशास्त्र और सदगुरु प्राप्त होते हैं। यावन्ना अनुग्रह साक्षात जायते परमेश्वरात, तावन्ना सद्गुरुम कश्चित सच्छास्त्रम अपिनो लभेत। तब तक यह लाभ नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता। यह संसार बड़ा विचित्र है। केवल हम 130 करोड़ भारतवासियों की बात नहीं करते, अपितु पूरे विश्व में हमारे इस वेदांत अध्यात्म शास्त्र के डिमडिम घोष करने वाले जितने भी महापुरुष हुए, आंग्ल भाषा इंग्लिश में और अन्य भी, फ्रेंच भाषा हो, स्पेनिश हो, अरबिक हो, पारसी हो, हर भारत में हमारी कितनी भाषाएं हैं। गुजरात आदि में जाते हैं कुछ माता लोग, ठेठ हिंदी नहीं समझ पाती, लेकिन वो बोल नहीं पाती, समझा उनको प्रेम से सरल भाषा में तो समझ जाती हैं। तो ऐसे महापुरुष अनेक भाषाओं के ज्ञाता होकर दुनिया में जिस वेदांत का डिंडिम घोष किया, जो भी इस 7 अरब आबादी वाले मनुष्यों के समूह में जिनको यह अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके पीछे यदि कोई कारण है तो हमें ये पीछे मुड़ करके देखना पड़ेगा कि ये कौन से पुण्य कर्म का फल हो सकता है जिसकी वजह से परमात्मा ने प्रसन्न होकर हमें ऐसा अवसर प्रदान किया, ऐसा मौका प्रदान किया। संसार में छोटी छोटी बातों में जब चित्त विक्षिप्त होता है, मन खिन्न हो जाता है, मौसम खराब हो गया, शरीर में कष्ट होता है, व्यक्ति ने अपमान किया, मन में दुख होता है, शारीरिक दुख, मानसिक दुखों का जब बार बार सामना करना पड़ता है, तो कभी ऐसा मन में भाव आता है, जिज्ञासा होती है, क्या इन दुखों का अंत नहीं हो सकता, हमेशा के लिए मन शांत हो जाए, शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट न, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। तो जब आप सत्संग करते हो तब सत्संग के माध्यम से बताया जाता है कि भाई जब तक शरीर मिलता रहेगा तो सुख भी होगा दुख भी होगा, इन दोनों के सामना करना पड़ेगा आपको, इसी के सामना करने के लिए हमें इस शरीर में आना पड़ा है, शरीर मिला ही है सुखों दुखों, सुख और दुखों का अनुभव करने के लिए। फिर आप कैसे कहते हो कि शरीर में रहते हुए ही दुख कभी ना आवे और सुख हमेशा आवे, जो कभी दुखी होता है वो कभी सुखी होता है, ये शरीर और मन का धर्म है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, आत्मा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस शरीर में रह करके हम मौसम से, लोगों के व्यवहार से, खान पान की चीजों से, धन आदि वैभव के अभाव में या उसके रहने पर सुख और दुख का जो बार बार अनुभव करते होते हैं, उस समय में भी जिज्ञासा होगी ही, ये कोई गारंटी नहीं कि कैसे इन दुखों से छुटकारा पाऊं। किसी को आप वैभवशाली देखते हो तो सोचते इतना धन मेरे पास होता तो मैं भी सुखी हो जाता, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से जानते नहीं हो, जिसके पास वैभव आपको दिखाई दे रहा है
उसको यदि आप धीरे से पूछो, बाबूजी आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े मालदार हो, भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, क्या आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तो वो मुस्कुरा के कहेंगे, हाँ भाई धन तो भगवान ने बहुत दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अरे बाबूजी क्या फर्क पड़ता है, आपके पास डॉक्टरों की कमी होगी क्या, पैसे हैं आपके पास, डॉक्टर बुला लो, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज। अरे सब करा लिया, बड़े से बड़ा डॉक्टर को भी दिखाया, बड़े से बड़ा हॉस्पिटलों में भी गया, खूब पैसा भी खर्चा किया, फिर क्या हो बाबूजी, बस डॉक्टर लोग बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे, बोलते अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी क्या करेंगे, वो भी तो मनुष्य ही, उसकी एक अपनी सामर्थ्य है, उसके बाद तो वो भी यही जवाब देते हैं कि आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, यही भोगना पड़ेगा। तो होता क्या है, उस समय समझ में आता है कि ये धन वैभव भी एक सीमा तक ही सुख का कारण बनता है। आचार्य शंकर ने तो कह दिया, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, जहां अर्थ होता है वहीं पर अनर्थ की भी संभावना रहती है। लेकिन जिसको अभी ये वैभव नहीं मिला है, धन का अनुभव नहीं है, और धनवान व्यक्ति को जब वो देखता है तो सहसा उसके मन में आता है कि शायद ये धन सुख का कारण होगा। जब उस धनवान व्यक्ति से दुखों का पता चलता है, तब उसको थोड़े समझ में आता होगा कि इतने धनवान होते ही बेचारा है तो दुखी ही, आखिर दुख तो नहीं छोड़ा इसको, दुख तो इसका पीछा कर ही रहा है। तो जो थोड़ा मन में ये भ्रम था कि धन से सुख मिलता है, तो शायद वो भ्रम टूट जाता होगा। यदि टूटा, यदि ये समझ में आ गया कि धन से सुख नहीं मिलता, जैसे धनवान को आपने अभी देखा और उसने अपना दुख आपको सुनाया, और जब आपने निश्चय कर लिया कि वास्तव में धन जीवन जीने का साधन मात्र हो सकता है, सुख का ये साधन नहीं है, आनंद प्रदान करने वाली ये चीज नहीं है, इतनी भी बात समझ में आ गई तो समझ लेना भगवान की कृपा आपके ऊपर होने जा रही है। कुछ आपके अंदर थोड़ा विवेक करने का विचार मन में आया, उदित हुआ, अब एक बीज लगा है तो धीरे धीरे अंकुरित भी होगा। एक व्यक्ति के वैभव को देख करके आपने उसके दुखों का अनुभव सुना, फिर दूसरे को देखोगे, वो कहेगा अरे क्या कहूँ, भगवान की बड़ी कृपा है, खूब बढ़िया से रहता हूँ, खूब खाता पीता हूँ, अनेक तरह की गाड़ियाँ हैं मेरे पास, अपने पास हेलीकॉप्टर है, अपने पास हेलीपैड है, एरोप्लेन भी अपना है, जब मर्जी जहाँ उड़ के चला जाता हूँ, जब मर्जी जहाँ से चला आता हूँ, बड़ा सुखी हूँ, ऐसा सुख कहाँ किसी को मिलता है। अब थोड़ी देर पहले जिस वैभवशाली के दुख को आपने सुना, अब ये वैभवशाली जो मिला ये आपको अपना सुख सुना रहा है। अच्छा बाबूजी सब कुछ ठीक तो है ना, घर में और बाल बच्चे, बस भगवान ने एक कमी दे दी कि हमें कोई संतान नहीं मिली, लो अब ये दुख उसको हो गया। शारीरिक दुख नहीं है तो मानसिक दुख है, और वो है संतान की प्राप्ति नहीं, इस अभाव को लेकर के हेलीकॉप्टर में उड़ता भी है, प्लेन भी उसके पास कोई कमी नहीं, जैसा भी उसने बताया, मेरे पास कोई कमी नहीं। लेकिन अब क्या बता रहा है कि संतान नहीं है मेरे पास, इस बात से वो दुखी है। ऐसे दुखों को गिनाते हुए चले जाए तो इसका कोई अंत तो है नहीं, उदाहरण दे रहे हैं। इस उदाहरण के माध्यम से समझना चाहिए कि वैभवशाली धनवान सुखी रहते हैं तो देखो कहीं ना कहीं उनके मन में किसी कोने में दुख भी छिपा हुआ है, पड़ा हुआ है, व्यक्त नहीं कर रहे। आप ढिंढोरा पीटने से थोड़ी होगा उसका दुख दूर हो जाएगा, सुनो जी मेरे पास धन बहुत है लेकिन मुझे इस बात का दुख है, मेरे को शारीरिक दुख है, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं इसका दुख है, किसी के पास संतान भी है शरीर भी ठीक है तो कहीं व्यापार के घाटा होने का दुख है, किसी ने अपमान किया ये दुख है, भाई ने धोखेबाजी की ये दुख है, पत्नी अच्छी नहीं मिली ये दुख है, बेटा अच्छा नहीं हुआ ये दुख है, बहू अच्छी नहीं मिली ये दुख है। अब बताए दुखों का कोई अंत है, कितने गिनाएंगे।
लेकिन इन सब को बार बार देखना पड़ेगा। एक धनवान धन को सुख का साधन बताता है, सुखी भी है, फिर भी उसके जीवन में भी दुख है। तब जाकर के परमात्मा जब आपके ऊपर कृपा करते हैं, उनके अनुग्रह से आपके मन में ये जो भावना बनती है कि हाय देखो इन सब के इतने होते भी दुखी हैं, तब तो मैं ही सुखी हूं। और ये धन वैभव दुख का अंत करने वाला नहीं है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एकत्वम अमृतत्वमानसुः। त्यागेन एके अमृतत्वमानसुः। अमृतत्व को वही प्राप्त कर चुकी प्राप्त कर सकते हैं न कर्मणा न प्रजया न धनेन। कर्मों को करके भी उस अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। नास्ति अकृत कृतेन। कर्म किया जाता है, यत कृतकम तद अनित्यम, जो किया जाए वो अनित्य होता है। अनित्य से नित्य की प्राप्ति कैसे करोगे? क्रमशः साधन तो बन जाएगा, लेकिन कर्म साक्षात साधन नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। समझ गए? ऐसा होता है। इसीलिए न कर्मणा प्रजया, संतान आदि हो, कुटुंब हो, फिर भी इससे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होने वाली। धन से तो होना ही नहीं, अभी आपने सुनी लिया। त्यागे न, अब त्याग करने की बात है, ये थोड़ा कठिन काम है। प्रसंग आएगा इसके ऊपर, विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन इतना जरूर है जिन जिन चीजों को हम अमृतत्व की प्राप्ति का साधन समझते हैं, उन सब का यहां भगवती श्रुति ने निषेध कर दिया। जब निषेध किया तो इनको छोड़ना ही एक तरह से त्याग है। कर्म नहीं करें, प्रजा आदि को ज्यादा संग्रह करने की कोशिश ना करें, धन आदि के भी ज्यादा संकलन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सब छूटता है, छोड़ना पड़ता है। इन सब को छोड़ करके ही वो मिलता है, तो अभी से छोड़ने की आदत डालो। पकड़ोगे तो फिर छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, पकड़ते समय अच्छा लगता है, छोड़ते समय बुरा लगता है। ये तो आप जब सत्संग सुनते हो तो महापुरुष बताते हैं कि देखो भाई, जिसको भविष्य में छोड़ना ही है, छोड़ना पड़ता ही है, छूट जाता है, उसके प्रति अभी से छोड़ने का भाव दृढ़ करो। प्रारब्ध के अनुसार जो आता है बरबस, प्रारब्ध से मिलता ही है। ये प्रारब्ध भी तो जोरदार होता है। आप किसी से मांगो फिर भी नहीं मिलता, कोई आपको बिना मांगे ही दे जाते हैं। कोई चाहते कि एक बार इशारा कर दे तो हम तो देने के लिए तैयार है, आपने इशारा किया नहीं कि कई गुना धन आपको मिल जाता है। ये सब प्रारब्ध की बलवत्तरता है, इसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने तरफ से ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब अमृतत्व की प्राप्ति का साधन नहीं है। तो भगवान ने गीता बोध सार, गीता बोध जो दिया, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता, भगवान के द्वारा पृथा कुंती के पुत्र पार्थ के लिए जिस बोध को भगवान ने दिया, जो बोधित किया, जो अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा का फल है, आपके कृपा प्रसाद से जो मुझे भ्रम हो गया था, जिसको मैं भूल गया था, वो याद आ गया, स्मृति लब्धा। और जिस मोह के कारण मैंने कहा था कि इन सबको मार करके मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये हमें मार दे तो चलेगा, अथवा हम जा करके भिक्षा मांग करके रह लेंगे, अन्य कार्य कर लेंगे, जंगल में चले जाएंगे, लेकिन हम इनको नहीं मारेंगे, ऐसा जो मोह हुआ था, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, क्योंकि आपका नाम अच्युत है, मैं थोड़ा अपने स्वभाव से च्युत हो गया, छूट गया था। आप कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। स्वस्वरूपात न चवते कदापि इति अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम।
ऐसे भगवान की हम लोग स्तुति करते हैं। अच्युत हैं भगवान, अनंत हैं भगवान। ये अच्युत का अर्थ यही होता है कि तीनों काल में अपने स्वभाव को जो हमेशा एक जैसे बना कर रखते हैं, कभी नहीं छोड़ते, उनको अच्युत कहते हैं। आप तो कभी अपने स्वरूप से च्युत होते नहीं, और मैं थोड़ा च्युत हो गया था, लेकिन आपकी कृपा से ही अच्युत, जैसा आपका स्वभाव है वही स्वभाव अब मुझे प्राप्त हुआ है। अब मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई, याद आ गई बात, उसकी उसका लाभ हुआ, स्मृति लब्धा, ये सब आपकी कृपा का फल है, ऐसा भगवान को अर्जुन बोलते हैं। तो गीता में पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणे न स्वयं, स्वयं भगवान नारायण ने अर्जुन को निमित्त बना करके जिस श्रीमद् भगवद गीता का बोध ज्ञान दिया हम सबको, क्योंकि बोध और ज्ञान एक ही बात है। हम गीता ज्ञान सरणी, गीता ज्ञान श्रृंखला ऐसा भी कुछ शीर्षक रख सकते थे, इस बार हमने गीता बोध सार रखा है। तो ये जो बोध है, बोध शब्द बनता है बुध अवगमने, और अवगमन का अर्थ होता है जान लेना, और जो जान चुका उसी को संस्कृत में बोलते बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में तो बोध होता है, लेकिन जब बोध हो गया तो वो बनेगा बुद्ध। बुद्ध का मतलब जान चुका, ज्ञान और ज्ञानी अथवा ज्ञातम, ज्ञात का मतलब होता है जान लिया, प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से बुद्ध से बुद्ध बनता है और बुद्ध से ही बोध बनता है। बुध एक ध है तो बुध, उसमें बू को ओकार बना देंगे तो बोध, और ध में एक द जोड़ दिया तो बुद्ध ऐसा बन जाता है। तो बुद्ध, बोध और बुध, तो बुध ये धातु है, वर्ब है, जिसे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब होता है, वैसे संस्कृत व्याकरण में उसको हम लोग धातु बोलते हैं। तो बुध अवगमने धातु से बोध शब्द बनता है। गीता में जो भगवान ने जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, हे भगवान आपकी गीता में ऐसा क्या जादू भरा हुआ है जो अभी तक मैं जान नहीं पाया, अब आपकी कृपा हुई है तो जरूर हम इसको जान पाएंगे। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया नारायणेन स्वयं। जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा करने के बाद अर्जुन के मोह जो दूर किया, भगवान ने अर्जुन को मोह हुआ था, हाथ में गांडी धनुष आदि भी छोड़ दिया, विसृज्य ससरम चापम शोक संग विघ्न मानस, ऐसे शोक के सागर में डूब गए अर्जुन। इसने पहले अध्याय का नाम ही रख दिया अर्जुन विषाद योग। ये विषाद डिप्रेशन है, अवसाद है, विषाद अवसाद को ही डिप्रेशन बोलते हैं, और डिप्रेशन में आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, क्या करूं क्या न करूं समझ में नहीं आता। जिस अर्जुन ने बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके भगवान को कहा था कि सेनयो रुभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, यहां भी अच्युत शब्द का प्रयोग किया, और वहां जो कहा कि हे भगवान आपके कृपा से आज मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई है, मोह नष्ट हो गया, ये आपकी कृपा प्रसाद का फल है हे अच्युत, और यहां पर भी कहा हे अच्युत आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य रखिए। उस समय में भी भगवान अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अर्जुन छोड़ देते हैं, और इसलिए गांडीव धनुष आदि छोड़ करके अवसाद हो जाता है उनको, विषाद हो जाता है। विषाद का सामान्यतया अर्थ होता है भावी कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगा, अथवा जिस कष्ट की कल्पना हमारे मन में घर कर जाती है, अनेक प्रकार के दुश्चिंताएं आ जाती है, यही एक तरह से डिप्रेशन है। जैसे मान लीजिए घर में आप काम कर रहे हो, परिवार वाले आपके साथ में हैं, आपके पास समय है ही नहीं अनावश्यक बातों को सोचने के लिए। नहीं तो होता क्या है, विदेशों में डिप्रेशन के लोग ज्यादा मिलते हैं, इंग्लैंड आदि में आप देखिए
सर्दी का जब मौसम आता है तो वहाँ लोग घबराते हैं, क्योंकि सूर्य अब उनको बहुत कम दिखाई देंगे, दिन बहुत छोटा होगा, रात ही रात रहेगी। वहाँ तो बच्चे सवेरे जब स्कूल जाते हैं तब भी अंधेरा होता है, लौट के आते हैं तब भी अंधेरा होता है, उनको तो प्रकाश मिलता ही नहीं। उस समय उनको लगता है कि कब दिन हुआ, अंधेरे में रहना। आईसीयू में जैसे कोई भर्ती हो जाए और उसको हफ्ता भर 10 दिन तक बाहर के लोग ना मिले, सूर्य भगवान का दर्शन ना हो, बाहर के वातावरण का कुछ भी ज्ञान ना हो, तो वो भी तो एक तरह से अवसाद ही है, दुखी होता है। इसी प्रकार से ये जो डिप्रेशन हुआ अर्जुन को, अवसाद विषाद कि इन सबको मारूंगा तो क्या होगा, अब तो खून खराबा होने के मुहाने पर आ गए, कुरुक्षेत्र के मैदान में डट चुके हैं। ऐसे शोक करने वाले अर्जुन को अशोचानन शोचस्तम से प्रारंभ करते हैं और 18 अध्याय में भगवान कहेंगे मोक्ष इच्छामि मा शोच, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम शोक मत करो। इसकी कैसी संगति है, ऐसा भगवान ने जो ज्ञान दिया, बोध दिया है, ये वास्तव में श्रवण करने के लायक है। गीता का तो जितना भी चिंतन करो, मनन करो, पठन करो, पढ़ो, उतना ही कम है। कभी मन में ये भाव मत लाना। इसलिए ये जो दैया जी का सत प्रयास है, कृष्ण कुमार दैया जी नाम ही रखा है इसका, शीर्षक बड़ा अच्छा नाम है, चिंतन माला। हम जानते हैं इस प्रेमपुरी आश्रम में दैया जी के द्वारा आयोजित चिंतन माला में अनेक विषयों के ऊपर चिंतन होता है। जो जो अध्यात्म से संबंधित अद्वैत परंपरा के पोषक जो भी सदग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि के ऊपर नरेश वेद जी आते हैं। एक बार हमें ये मौका मिला था, जब नरेश वेद जी को जाना पड़ा किसी कारणवश बीच में ही चिंतन माला छोड़कर, उनके विवेक चूड़ामणि के ऊपर चिंतन माला का कार्यक्रम चल रहा था सायंकाल को, तो मैं उस समय यहीं प्रेमपुरी में ही था। फिर श्रीमान गिरीश भाई जी ने कहा स्वामी जी ऐसी ऐसी बात हो गई, हमने कहा कोई बात नहीं, हम हैं ना यहाँ, ऐसा मौका कोई दे, सत्संग आदि में कोई आनाकानी नहीं, कोई ननू नच नहीं, नहीं है समय, कुछ कारणवश नहीं आप आ सकते हो, एक अलग बात है। हम जब वहीं पर रहते हैं, हमारा यहीं पर रहना खाना पीना सब होता है, और समय भी अलग था, सवेरे कथा करता था तो शाम को तो खाली था ही, तुरंत हमने हाँ किया और उस माला को पूरी की। तो चिंतन की जो ये माला बनी हुई है, ये माला लंबी होती जाए, अनेक महापुरुष लोग अनेक अनेक विषयों के माध्यम से इस चिंतन माला का जो ये श्रृंखला बढ़ाए जा रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। ऐसे दैया जी जिनके निमित्त से इस धन का सन्निवेश करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, बाबुलनाथ महादेव से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनके अंदर अंतर्यामी के रूप में बैठे बाबुलनाथ भगवान इस तरह से और भी प्रेरणा दें और अनेक सत्कर्म करते रहें। आज ये 15 अगस्त को विशेष रूप से YouTube में डालने के लिए अभी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, और आज से लेकर के आपको 31 अगस्त तक 2020 31 अगस्त तक मैं आप सबको इस गीता बोध सार के माध्यम से चिंतन माला के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि मैं उन बातों को आप सबको सुनाऊं, संदेश दे सकूं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, उसको उपयोग करके कैसे हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, जिसके लिए हमने ये प्रारंभ किया। तो गीता में मूल रूप से ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग है। इन सब को किस अधिकारी के लिए कौन सा योग सार्थक होगा, जिसकी जैसी बुद्धि है, ईश्वर के अनुग्रह हो गया, मन में जिज्ञासा आई है, यदि आप सत्कर्म करने में लग गए हैं, भगवान के भक्ति करने में लग गए हैं, ज्ञान के मार्ग में चल पड़े हैं, तो यह बात तो निश्चित है कि आपका कल्याण होना ही है। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को भगवान के नाम लेने से पूर्व विराम देता हूँ 1 मिनट के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।